सोनभद्र जिले से लेकर के पूरे प्रदेश में लड़ रही हैं, इनको बहुत बल है। और जयपुर माध्यमिक शिक्षक संघ है, उनके भी सभी सदस्य हैं, चाहे कर्मचारी के हो चाहे कर्मचारी पेंशन। आज आंदोलन का उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी पेंशन विहीन साथी हैं वो माननीय सांसद जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र के द्वारा बताएं कि हम पेंशन विहीन साथी हैं और हमें हमारा पुरानी पेंशन चाहिए, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको हम हर कीमत पे ले लेंगे। अगर ये हमारी इस उपवास माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं समझ पाते हैं तो हमारा आगामी कार्यक्रम 26 नवंबर को दिल्ली पे संसद भवन का घेराव होगा और इस पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन में पूरे देश के 22 राष्ट्र इसमें शामिल होंगे और 10 लाख से ऊपर के कहीं भीड़ हमारी आएगी संसद भवन घेराव करने के लिए और हम मातृशक्ति बहने भी अपना अधिकार लेने के लिए अब रणभूमि में कूद पड़े हैं। पेंशन हक है, लेकर रहेंगे। तो आज आप लोगों ने सांसद जी का घेराव किया है? सांसद जी का घेराव नहीं किया है, हम लोगों ने एक दिवसीय उपवास किया है और ये हमारा भूख इस तरह से हम कर रहे हैं कि हम पीड़ित हैं और एक हमारी आस्था है कि हमारे जैसे भगवान से हम कुछ मांगने जाते हैं, एक आस्था के भरोसे ही मांगने जाते हैं कि हमारा वो भगवान सुन लें, वही उपवास एक हम सांसद जी के आवास पे कर रहे हैं कि आप भी हमारे माननीय हैं, हमारी बात आप वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के तहत तो लोग कार्यक्रम अपना किए हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जो नई पेंशन है उसको हटा करके पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। हम इनके साथ हैं, इनका विज्ञापन जो मिलेगा उस विज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे अपना पैड लगा करके। मैं इनके साथ हूँ। और बताइए तो क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी दलितों, गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों के मसीहा हैं और मुझे विश्वास है कि वो काम करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, विश्वास है ऐसा हम लोगों को। तो इससे आपके चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा? अरे भाई, हम काम करने के लिए तैयार हैं तो क्या असर पड़ेगा, और अच्छा रहेगा कि हमारे साथ लोग रहेंगे